हेलो एवरीवन, सीटिंग अरेंजमेंट में ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपको लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे और उसके हिसाब से देखते चलेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जो है एक अच्छा से, आराम से, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और मेथड जो है वो देखेंगे। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में 11 फ्रेंड हैं जो कि एक ही फर्स्ट रो में किसी स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने गए हैं और फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं। अब क्वेश्चन से दो चीज़ें पता चलता है, एक तो वो 11 हैं, पेयर में नहीं है, और पेयर में रहते भी तो ये क्या है, ये लीनियर का है क्वेश्चन। अब लीनियर का क्वेश्चन है तो इसमें हम सेंटर की तरफ नहीं देखेंगे या फिर आउटसाइड नहीं देखेंगे, इसमें एक ही तरफ देख रहे हैं, किधर, जिस साइड मैच हो रहा है उस साइड देखेंगे। यानी कि इसमें एक ही साइड सारे जो है वो देख रहे हैं। अब हम मान के चलते हैं कि जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये नॉर्थ फेसिंग एरिया है, यानी कि हम लोग नॉर्थ की तरफ जो है वो सारे देख रहे हैं। तो अब सबका एक दूसरे का राइट, वो राइट होगा और वो कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे ये जो हो गया आपको देखने को मिल गया, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ, यहाँ पे हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप बैठे हो ऐसे, तो आपका जो सर है ये नॉर्थ दिशा की तरफ जो है वो फेस कर रहा है आपका माउथ, और आपका जो राइट है वो ईस्ट दिशा की तरफ आएगा। तो यहाँ पे अब जैसे ये लिनियर हो गया, यहाँ पे आप बैठे हो तो जब भी हम इधर जाएंगे राइट की साइड, ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है घूम रहा है, यानी कि राइट की साइड हम लोग मूव कर रहे हैं। और ये चीज़ें सर्कुलर एरिया में ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है, राइट और लेफ्ट। यहाँ पे आपको बस राइट जो है वो राइट की तरफ चलना है, लेफ्ट जो है वो लेफ्ट की तरफ चलना है, अगर सारे एक ही दिशा में ऊपर की तरफ जो है वो देख रहे हैं या स्टेडियम में मैच देख रहे हैं तो सारे इसी दिशा में देख रहे होंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि इसको करना कैसे है। इसमें दो चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले पहला कि जो एंड और जहाँ पे हु पूछेगा, यानी कि जहाँ पे और होगा और जहाँ पे जो होगा, तो जहाँ पे और की बात करेंगे, एंड की बात करेंगे, वो बात होगी पहले वाले की, यानी कि जिसके बारे में बात करेंगे उसके लिए एंड की बात होगी। हम क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा। जहाँ पे हु की बात होगी तो हु जहाँ पे लगेगा वहाँ पे होगा जो उसके इमिडिएट बगल में होगा उसकी, यानी कि हम जिसके बारे में पहले चर्चा कर रहे थे उसकी जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यानी कि जहाँ पे जो लगेगा वो किसकी होगा, वो जो होगा बाद वाले की बात होगी, और जहाँ पे और लगेगा वो किसकी होगी, वो पहले वाले की बात होगी। इतना समझ में आ गया, यानी कि यहाँ और लग रहा है ये टी की बात हो रही होगी, यहाँ और लग रहा है वी की बात हो रही होगी, यहाँ जो लग रहा है क्यू की बात हो रही होगी, और यहाँ और लग रहा है इसका मतलब आर की बात हो रही होगी। तो ये चीज़ें आपको समझना है। इसी तरह जहाँ एंड लगेगा वो टी की बात होगी, जहाँ पे एंड लग रहा है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एंड है इसका मतलब ये भी की बात हो रही होगी, जहाँ पे हु लग रहा है ये मतलब एम की नहीं ये क्यू की बात हो रही होगी, जहाँ पे एंड है वो जो पहला है उसकी बात हो रही होगी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लिए यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको जो हम लोग इरेज कर देते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि देखो क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा, जब आप इसमें जो है कुछ कनेक्शन जो है बैठा पाओगे। अब कनेक्शन का क्या मतलब होता है, कनेक्शन का मतलब है कि सॉल्व करने के दो इन्फॉर्मेशन आपको दिए रहते हैं, एक डायरेक्ट वाला इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सीधा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कौन सेंटर में बैठा है, कौन जो है वो सबसे एंड में बैठा है, सबसे दोनों साइड जो एंड है वहाँ कौन बैठा है, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया। और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो कि बोला जाए इसके लेफ्ट में ये बैठा है, इसके राइट में ये बैठा है, तो ये इनडायरेक्ट जो है ये हो गया। जैसे अगर तीन जो है वो दिए गए हैं, ए बी सी जो है वो तीन कुछ इस तरह से आप देख लो यहाँ पे दिए गए हैं। अब कह रहा है कि बी जो है वो मिडिल में है, ये क्या है, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, और बोला जाए बी के राइट में सी है, ये इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर यही बोल दिया जाए सी जो है वो राइट मोस्ट पॉइंट पे है, यानी कि दाहिने तरफ जो एंड है, जो छोर है वहाँ पे है बैठा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि क्या सिनेरियो चल रहा है। तो 11 है, यानी कि 11 जो है वो कुछ इस लाइन पे ऐसे बैठेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो आ जाओ यहाँ पे देखते हैं। पहला लाइन पढ़ो, पहला कह रहा है टी इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि टी एंड थर्ड टू राइट ऑफ यू। इसका मतलब है यहाँ पे एंड है, केवल पी टी की ही बात हो रही है। टी कहाँ है? टी है जो इमीडिएट लेफ्ट है पी का, वहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। यानी कि पहले जो पी है इसके इमीडिएट लेफ्ट, यानी कि तुरंत लेफ्ट में जो है आपको यहाँ पे, इधर जाएंगे तो क्या होगा? राइट होगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो ये जो है टी जो है वो तुरंत पी के लेफ्ट में, यानी टी जो है वो ठीक बाएं और यू के तीसरे दाहिने पे है, यानी कि जो यू है उसके थर्ड राइट पे जो है वो देखने को मिलेगा। थर्ड राइट का मतलब यहाँ पे हो गया पहला, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, और ये क्या है? यहाँ पे बना रहा है यू, ये हो गया यू, यानी कि ये टी हो गया, ये पी हो गया, ये यू हो गया। एक लाइन का जो है वो पहला समाप्त हो गया। दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है कि भी इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ एन एंड एम एंड द थर्ड ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब ये लाइन आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि भी और एम, भी जो है वो एम और एन के निकटतम पड़ोसी है, यानी कि भी जो होगा वो एम और एन के बीच में होगा, होगा ठीक है। और ये जो होगा ये एस के बाएं जो होगा वो तीसरा होगा, यानी कि एस का जो है ये तीसरा बाएं जो है वो आपको भी होगा। अब यहाँ पे इस लाइन में कहीं जो है वो जुड़ नहीं रहा है, ये वाला लाइन कहीं इस लाइन में जुड़ नहीं रहा है, तो अभी के लिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कुछ कनेक्टिविटी जुड़ रहा है। अब कह रहा है कि एम जो है वो क्यू से दूसरा है, किधर? दाहिना, और जो किसी एक छोर पे है। यहाँ से कुछ सीखने को मिल रहा है, देखो क्या कह रहा है कि एम इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू। किसका किसका जो है वो राइट है? क्यू का सेकेंड, क्यू का जो है वो सेकेंड राइट है, यानी कि अगर यहाँ क्यू होगा तो इधर जाके जो क्या होगा वो होगा आपको सेकेंड पे एम होगा। ये समझ में आ गया? ऐसे जो है ये होगा। तो अब ये जो है क्या, कौन? हु, यानी कि क्यू। क्यू जो है एक एंड है, अब एक एंड होगा तो अगर बताओ यहाँ पे एंड होगा राइट की तरफ, तो क्या ये एम इधर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इसका मतलब क्या है? क्यू जो होगा वो क्या होगा? लेफ्ट राइट, लेफ्ट एंड जो है ये क्यू होगा, यानी कि क्यू जो है वो आपको कहीं इधर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आ गया क्यू, ये क्यू हो गया। और उसके दूसरा राइट कौन सा है? यानी कि पहला यहाँ छोड़ दो, दूसरा राइट जो है वो है एम, एम यहाँ देखने को मिल गया। अब हम जो है वो पहले लाइन को देखते हैं। पहला लाइन कह रहा है कि जो भी है ये इमीडिएट नेबर है एम और एन का। अगर एम और एन का जो है वो नेबर है भी, तो अगर मैं भी यहाँ डालता हूँ तो एम यहाँ हो गया तो इधर एन नहीं है, यानी कि भी यहाँ होगा तो एन क्या होगा? एन अपने आप यहाँ आ जाएगा। ये इतना हो गया करेक्ट। अब कह रहा है, इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा है कि एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। एंड, एंड का मतलब क्या है कि भी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। अब भी के बारे में चर्चा हो रही है, देखिए आगे कह रहा है कि ये जो है थर्ड है, किससे आपको देखने को मिलेगा? एस से, किधर? लेफ्ट की तरफ, यानी कि इधर से जब आएगा कौन? भी यहाँ है तो ये पहला है, दूसरा है और ये है तीसरा, यानी कि एस से यहाँ से तीसरा क्या होगा? ये थर्ड होगा। यानी कि अब हमें देखने को मिलेगा कुछ ऐसा सिनेरियो जो है वो मिल रहा है। अब अगला लाइन पढ़ते हैं। अगला लाइन कह रहा है कि आर इज सीटिंग नेक्स्ट टू राइट ऑफ पी। आर जो है वो जस्ट जो है वो पी के राइट में है, यानी कि आर यहाँ आ गया। इसके बाद एंड, आर ही कौन? एंड कह रहा है तो इसका मतलब आर ही, आर की बात कर रहे हैं। आर ही पी इज द सेकेंड टू राइट ऑफ क्यू। पी जो है, सॉरी ओ, तो पी जो है ये सेकेंड राइट है किसका? आपको देखने को मिलेगा ओ का, यानी कि पी जो है सेकेंड राइट होगा। तो इसका मतलब ओ कहाँ आ जाएगा? ओ आ जाएगा यहाँ टी के बगल में। ये जो है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल गया कि ये है आपको ओ और ये है टी और ये है पी, यानी कि अगर पी को देखोगे तो ओ का सेकेंड राइट है यहाँ पे, ओ ये पहला और ये दूसरा सेकेंड राइट में आ गया। अब हमारे पास क्या बच जा रहा है? अब हमारे पास बच जा रहा है, यहाँ पे देखो कितने हो गए, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और एक बच गया, और वो क्या बच गया, W। तो यहाँ आ जाएगा W, यानी कि ये जो लाइन बना क्या बना, ये बना Q, उसके बाद W, उसके बाद M, उसके बाद V, उसके बाद N, उसके बाद क्या बना U, उसके बाद S, उसके बाद O, और फिर उसके बाद जो है आपको बना T, और फिर बना P, सॉरी ये है P, और फिर उसके बाद बना R, यानी कि ये कुछ लाइन जो है आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है आपको लाइन बन गया। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जब ये लाइन निकल गया तो क्वेश्चन कोई भी आए सॉल्व हो जाएगा, हमें बस ये लाइन चाहिए था। अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज सिटिंग टू सेंटर ऑफ द रो, यानी कि जो पंक्ति है इसके मध्य में कौन है। तो टोटल 11 है, 5 इधर छाँट दो और उसके बाद से क्या करो, 5 इधर छाँट दो, कौन बच गया, यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये होगा आंसर। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है अब, क्योंकि ये जो है हमारे पास एक बार निकल गया, तो अब क्यू जो है ये आ गया आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पीपुल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस। एस के जो ये है इसके राइट में कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं। देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है वो एस के दाएं ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखो ओ टी पी आर, ऐसा कोई है, ओ टू पी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये यहाँ पे हो जाएगा आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आप देखोगे यहाँ पे ये है इसका आंसर। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो ट्रू स्टेटमेंट है वो जो है फाइंड आउट करना है। अब ये ट्रू स्टेटमेंट इन चारों में से फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है पहला कि देयर आर 3 पर्सन सीटिंग बिटवीन एस एंड पी, यानी कि एस और पी के बीच में 3 पर्सन जो है बैठे हुए हैं। ये है एस और ये है पी, इसके बीच में 2 है, पहला गलत। इसके अलावा डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड वी, डब्ल्यू जो है ये एम और भी के बीच में है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो एम के बगल में है, एम और क्यू के बीच में है। एन इज सिटिंग बिटवीन भी एंड यू, एन जो है वो भी और यू है जो है इसके अंदर बैठा है, ये जो है वो हो रहा है सही। देखो यहाँ पे भी जो एन जो है वो भी और यू के बीच में जो है वो बैठा है। इसके अलावा अगला देख लेते हैं, ये तो सही हो गया, ठीक है, तीसरा सही हो गया, अगला सही होता है कि नहीं। एस एंड ओ आर नेवर सीटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ टी, जो एस है ये कह रहा है कि एस और ओ जो है ये इसके टी के जो है वो पड़ोसी हैं, ओ तो है लेकिन एस जो है वो नहीं है, यानी कि ये जो है वो ये नहीं होगा आंसर। यानी कि ऑप्शन जो है वो 3 ये है इसका आंसर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है वो कह रहा है हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यानी कि टी के जो निकटतम पड़ोसी है वो कौन है। तो देखो ये रहा टी अपना, और टी के पड़ोसी कौन है, एक ओ है और एक पी है, यानी कि ओ पी, ये जो है आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा। अगला पूछ रहा है कि अब ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। कह रहा है कि यदि क्यू और पी ओ और एन, एम और टी और डब्ल्यू और आर को आपस में जो है वो स्थान बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो 0 पे बैठा होगा, यानी कि साइड वाला जो होगा एंड एंड वाला ये कौन सा होगा। यानी कि देखो यहाँ पे इफ क्यू एंड पी, एम क्यू को जो है वो पी से चेंज किया जाए, ओ को जो है एन से, और एम को जो है वो टी से, और डब्ल्यू को जो है वो आर से इंटरचेंज कर दिया जाए इनके पोजीशन को, तो जो पेयर बनेगा उसके एंड में कौन बैठा होगा, इसको एक बार देख लेते हैं। अब पूछ रहा है कि एंड में कौन बैठा होगा, यानी कि यहाँ पे क्या है जो है वो है क्यू, और यहाँ पे क्या है ये है आर। अगर हम देख लेते हैं इन दोनों को कौन इंटरचेंज कर रहा है, आंसर मिल जाएगा। तब देखो क्यू को कुछ इंटरचेंज कर रहा है, तो क्यू को कर रहा है यहाँ पे क्यू और पी, यानी कि क्यू को किससे चेंज कर रहे हैं, क्यू को कर रहे हैं पी से। तो यहाँ आ गया पहला पी, यानी कि पी जो है यहाँ पे आंसर है, ये पहला जो है आपको यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों जो है होगा आंसर, ये कट गए दोनों। और यहाँ पे आर जो है, आर को किस चीज़ से इंटरचेंज कर रहे हैं, देख लो डब्ल्यू को कर रहे हैं आर से, यानी कि यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, डब्ल्यू, यानी कि आंसर जो होगा हो जाएगा सी, कौन सा, पी और डब्ल्यू जो हो गए इसके लास्ट में आए। समझ में आया, नहीं आया एक बार और समझा देता हूँ ताकि क्लियर जो है वो बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो एंड है अगर इनको इंटरचेंज करने के बाद क्या आएंगे, तो हम पूरा इंटरचेंज करने के अलावा केवल एंड वाले को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछता कि इनके बीच का कोई पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो हम पूरा इंटरचेंज करके देखते,
लेकिन अगर एंड वाला पूछ रहा है तो हमें पूरा इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा। तो अब कह रहा है कि क्यू को जो है ये एंड वह है क्यू में और आर एन जो है वो है एंड। तो अब इन दोनों में चेक कर लो कि इन दोनों में क्या जो है वो इंटरचेंज कर रहा है। तो अब क्यू को देखोगे तो क्यू को कौन कर रहा है, क्यू को कर रहा है पी, यानी कि पहला जो होगा वो हो जाएगा पी, क्यू की जगह पी आ जाएगा यहाँ पे, और लास्ट वाला जो है वो है आर। तो आर की जगह पे क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है आर की जगह पे डब्ल्यू, यानी कि आर की जगह पे जो है वो डब्ल्यू आ गया, यानी कि पी और डब्ल्यू जो है ये हो जाएगा आंसर, सीधा आसान तरीके से निकल गया। और ये जो है ऑप्शन नंबर थर्ड, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से जो है आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ।